हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 फ़ोन में आप लोग नेटवर्क प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 फ़ोन है और इस फ़ोन में आप लोगों को नेटवर्क प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ही कम हो गया है, नेटवर्क का जो डंडिया है वो भी एकदम कम हो गया है, उसके बाद कॉल करने पर भी जो आवाज़ है वो भी अटक अटक के आ रहा है, और आपका जो मोबाइल डाटा है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ही स्लो हो गया है। तो कैसे आप लोग जो है नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एकदम लास्ट में सिस्टम का, तो इस सिस्टम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा रीसेट फ़ोन का, रीसेट फ़ोन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं रीसेट वाईफाई सेटिंग्स का एक ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रीसेट वाईफाई, मोबाइल का जो इंटरनेट है वो भी रीसेट होगा और ब्लूटूथ भी साथ में रीसेट हो जाएगा। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे रीसेट पे। क्लिक करते अपने फ़ोन का जो भी पैटर्न या पासवर्ड है उसको डालेंगे। डालने के बाद आपका जो मोबाइल का जो डाटा का सेटिंग्स है, इंटरनेट सेटिंग्स है, वो रीसेट हो जाएगा, और रीसेट होने के बाद आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी सॉल्व नहीं हो रहे तो आप लोग जो है कुछ छोटे मोटे सेटिंग्स को कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग अपने फ़्लाइट मोड को ऑन कर सकते हो, ऑन करने के बाद 10 सेकेंड बाद फिर से ऑफ़ कर सकते हो। ऐसा करने से भी आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप लोग जो अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर सकते हो, मतलब पावर ऑफ़ करके ऑन कर सकते हो। ऐसा करने से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या फिर आप लोग सिम को भी निकाल सकते हो, सिम को निकाल के फिर से लगा सकते हो, या सिम का जो ट्रे है सिम 1 और सिम 2 इसको एक्सचेंज करके लगा सकते हो। जैसे कि सिम 1 पे लगा हुआ है तो 2 पे लगा सकते हो, 2 पे लगा हुआ है तो 1 पे लगा सकते हो। ऐसा करने से भी आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।